Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, 10th class in math unit 1 हम कर रहे थे. इसकी exercise 1.1 हमने cover कर ली है. आज हम exercise 1.2 के हवाले से बात करेंगे. जिसका first सवाल है, उसमें वो कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको एक सवाल दिया था कि मैंने एक सवाल करके दिया था प्लस जो है एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू जीरो. ये मैंने आपको कर दिया था. ये हमारे पास इनका जो सोल्यूशन सेट आया था इसी के मुताबिक हमने करना था ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन सॉरी एम नहीं ए बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो इसके मुताबिक अगर इसको हम कंप्लीटेड स्क्वायर के मेथड से करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनता है वो बनता है माइनस बी प्लस माइनस माइनस फोर ए सी अवर टू ए. तो ये हमारा क्या होता है सोल्यूशन सेट है किस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो फार्मूला बना है इसको हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते हुए जो है इनको हल करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे हल करेंगे. तो सबसे पहले देखें कि ये हमारी इक्वेशन है टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन एक्स. तो इसको पहले हम क्या करेंगे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी मतलब इस फॉर्म में जिसको कन्वर्ट करेंगे इसमें क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव नंबर है उसके बाद बी है ये चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसके बाद प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है. तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास ये माइनस है. अगर माइनस नहीं रहने तो भी हमारा काम हो जाता है. लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं इसको प्लस में चेंज करते हैं. कैसे करेंगे ये इसको मुताबिक कर ले जाते हैं. पहला फर्स्ट इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. तो ये हमारे पास देखिए इक्वेशन है यहाँ पे जीरो रह जाएगा. इन सबको मुताबिक कर ले जाते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सेवन एक्स ऑलरेडी मौजूद है. यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू आ जाएगा. तो देखिए अगर हमारे पास नफा लिखा हुआ है या इक्वेशन है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है या जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो बात ये है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव भाग है इसको होल्ड करता है. तो आप देखिए इसको हम इस तरह सीधा करके भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. तो ये हमारी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में. अब यहाँ से देखेंगे इस फार्मूला के मुताबिक हमने जो है इस इक्वेशन को हल करना है. इसके लिए हमें क्या चाहिए इसमें बी चाहिए बी स्क्वायर चाहिए ए चाहिए और सी चाहिए. और ये कहाँ से आएगा ये हम लेंगे इस इक्वेशन से. अब इसको और इसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे जो जनरल फॉर्म है उसको हम अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. ए की जगह पर जो नंबर होगा इस इक्वेशन में उसको हम ए का नाम देंगे. बी की जगह पर जो नंबर होगा इस इक्वेशन में उसको हम बी का नाम देंगे. इसी तरह सी नंबर जो है यहाँ पे सी जो होगा उसको हम सी का नाम देंगे. तो यहाँ देखिए इसके साथ क्या है ए है तो ए इज इक्वल हो जाएगा वन और बी इज इक्वल हो जाएगा सेवन और सी हमारे पास क्या है टू है. अब देखिए ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे देखेंगे कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय जो से फार्मूला तो वो क्या हमारे पास ये हमने लिखा हुआ है कि ये है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू. एक और बात कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद होगा या अननोन वैल्यू मौजूद है हम फार्मूले को उसी के इक्वल लिखेंगे. अगर मैं चलते कोई और सवाल देखेंगे जिसमें वेरिएबल चेंज होगा मतलब वाई है या कोई और नंबर है तो हम इस फार्मूला को उसके इक्वल रखेंगे कि जो इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा होगा. मतलब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हमने फार्मूले को एक्स के इक्वल रखा. तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर देंगे माइनस फोर ए सी अपन क्या है टू ए. तो ये हमारा क्या फार्मूला इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी और सी की तो हमारा आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन को जो है वो हमें सोल्यूशन सेट मिल जाएगा. तो यहाँ पे देखिए माइनस बी है माइनस इन टू बी क्या है हमारे पास सेवन है बी की जगह पे सेवन लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब सेवन का हम क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे और माइनस फोर
एक नंबर के इक्वल रख देते हैं और लेकिन ये क्या है पूरे होल का बटा है, तो हम यहाँ पे इसको होल का बटा में लिखेंगे, कवर में लिखेंगे, तो यहाँ पे टू इंटू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यूज नोट कर दी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद अपने आंसर के तरफ चले, तो यहाँ पे देखिए माइनस सेवन आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेवन का स्क्वायर क्या हो गया बनेगा 49 बन जाएगा और माइनस और
माइनस फोर और प्लस अंडर रूट 11। अवर क्या हमारे पास 10 है। इसी तरह एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस टू प्लस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर माइनस अंडर रूट 11 अवर 10। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज बनेगी वो बन जाएगी माइनस फोर प्लस अंडर रूट माइनस 11 अवर 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर माइनस अंडर रूट 11 अवर 5। तो जो सॉल्यूशन सेट हमारा बना है वो क्या है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू बनेगा माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट 11 अवर 5 आ जाएगा और माइनस फोर माइनस अंडर रूट 11 अवर 5। तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ सवाल इसके और